अभी हम आपको ले जा रहे हैं गांव की ओर। सत्य है सुबह सुबह वातावरण फॉग को बहुत ही ज़्यादा है, ये अक्सर हमको गांव में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये है हमारे साथ दीपक भैया और हम लोग जा रहे हैं गांव का रुख लेने के लिए, और पीछे हम घनश्याम भैया कैमरा चालू किए हैं, फॉग का सीन ले रहे हैं। चलिए जल्दी चलते हैं, गाँव का रुख लेते हैं, आपको ग्रामीणों से मिलाते हैं। ठंडा आ गई तुम्हारे कती आगे तापत है। अब बहुत दिन बाद मुझे पटवा दिखा है, जो मेरे गांव के कोला जो हमको बोलते हैं बारी तरफ वो दिखता था इसको, मैं बहुत ज़्यादा एक खट्टा होता था और इसे बस्ता से लाया गया है, बस्ता से इसको लगाया गया है। ये है पटवा, इसको सब्जी भी बनाते हैं। मैं बचपन में जब छोटा था बहुत खाता था इसको, बहुत खट्टा लगता था। ये हमारी पटवा, हमारी पटवा लाल पटवा। ये है चिया, चिया तो बहुत दिन बाद चिया देखने को मिले भाई। इधर है छत्तीसगढ़ में बोले जाते तो कोला, कोला जो हम लोग थोड़ा अपने जरूरत के लिए सब्जी उगा लेते हैं घर में ही, भाजी पाला धनिया मिर्चा जो होता है। अभी हम हैं बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव है जो सोना खान के रेंज में आता है, और इस गांव में पहुंचे हैं। और आपको बहुत दिन बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विलेज लाइफ आपको दिखने वाला है, तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और सीधे लेके चलते हैं आपको और आगे बस्ती की ओर। और जिस तरीके से जो गाँव होता है लकड़ियों से, वो लोग घर का जो आधा सामान होता है लकड़ियों का बना होता है, और उनका जो विलेज लाइफ होता है वो आपको दिखाने वाला है। जो रास्ते होते हैं पगडंडी वाले रास्ते होते हैं, ऐसा सर सीधा युक्त तो होता नहीं है, किसी किसी प्रकार से जुझ भी रहते होते हैं। घर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम चल रहे हैं आपको लेकर, और आपको बता दें कि सब हमारे भाई हैं, बहन हैं, परिवार के सदस्य हैं। और अभी यहाँ पर बन रहा है चाय हमारे लिए, चाय का बनना। ये निश्चित रूप से लाल चाय है, जो गाँव में हम लोग लाल चाय पीते हैं। अधिकतर मैं गांव में जो जाता हूँ खुशबू से पहचान लेता हूँ कि मैं गांव में पहुँच गया हूँ, तो वो खुशबू मुझे यहाँ मिलने लगा है अपने गांव का, छत्तीसगढ़ के जातियों के विलेज एरिया का। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। अभी सुबह का समय है, सब लोग अपना जो कार्य करते हैं सो उठ कर, वो कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। दादी अभी देख सकते हैं झाड़ू लगा रहे हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान हमारे गांव में रखा जाता है, और कुछ भैया लोग भी यहां पर हैं जो हमको देख रहे हैं गौर से, ये आखिर कर क्या रहे हैं। ये है गाड़ा का चक्का है, बांस का है ये पूरा, जहां तक आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों एक और घर में विजिट किए हैं, और यहां पर एक भैया हैं जो गांव में, जैसे आपको पता होगा कि सुखसी भाजी ऐसे बहुत सी चीज़ों को सुखड़ी करके रखा जाता है, लेकिन हम लोग कुछ फल फूल को भी रखते हैं, ये आप याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा वजन है ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है भुट्टा है ये, और इसके क्या बनता है, बिजोरी बनाते हैं ना भैया, बिजोरी बनाते हैं। और इसे कहाँ कोला में लगाए थे, ये कितना दिन तक रखोगे अभी आप इसको? ये
साल भर रहेगा। हाँ। उसके बाद बिजोरी बना। हाँ। इसको अच्छी सी बिजोरी बनाता है। तो आज हमारे बीच इस वीडियो में एक नए एपिसोड में वर्षा दीदी जुड़ चुकी हैं। वर्षा वर्मा ब्लॉग्स, आज मैं भूल गया था, चैनल है, आप विजिट जरूर करें क्योंकि इसके में भी विलेज लाइफ स्टाइल का वीडियो आने वाला है। तो वर्षा दीदी, सबसे पहले आपको मजे बैठ जाइए, आप स्वागत है आपका हमारे गाँव एरिया में, क्योंकि मुझे जानकारी लगभग आप शहर में रहते होंगे। मेरा भी गाँव है। अच्छा, गाँव है, लेकिन जाना आना कम होता होगा क्योंकि हम लोग क्या है, शहरीकरण होते जा रहा है, तो ये सब चीज विलुप्त के कगार पे जाते जा रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में खुद ऐसा दीवार पर सुपर टंगा हुआ, ऐसा भुट्टा, ऐसा किसी चीज का सुखड़ी, ये पहले बहुत मिलता था, सुखसा, बिजौरी, अरी बरी जो भी होता है, लेकिन अब नहीं मिलता। और आप लोग जनजीवन जो है, रोजी रोटी जो है, खेती किसानी के माध्यम से होता है कि? खेती किसानी हाँ। और कोई रोजमर्रा के जीवन में नहीं है अभी, जैसे अभी आप सुबह उठे हैं, अभी कहीं काम में जाएंगे? अब नहीं है, बुता काम कुछ नहीं है खेती वाली काम। हाँ, तब तो धान लुआ गए। सभी घर में चाय बन रहा है, सुबह का समय है, जैसे मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया, पूरा कोहरा छाया हुआ है, तो यहाँ पर घर घर में चाय बन रहा है, सभी लोग इनवाइट कर रहे हैं, चाय पी के जाइएगा। लेकिन आप लोगों को मैं हर घर की खबर इस वीडियो में लाने वाला हूँ अभी, और आपको लेके चलते हैं, और लोगों का जो होता है डेली लोग वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको आपके बीच दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। गाँव होता है, सुकून भरा होता है, शांत वातावरण होता है, जंगलों से घिरा होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होता है। आप सुनहरी सुबह होती है, शाम ढलता है, रात होती है, ठंड का मौसम होता है, बहुत ही आनंददायक होता है, वो है गांव। अगर आपको जीवन में समय मिलता है तो आप गांव का रुख जरूर लीजिए। और अब भी हमको जैसे जानने को मिलता है, जैसे आप सभी लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से गाँव को भूल जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन गाँव का रुख आपको लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि जो गाँव का सुकून है, पल है, बहुत ही अलग होता है और जो आपको जरूर आकर्षित करेगा। कुकरा चूल्हा, कुकर, और हम लोग अपने गांव इसको बोलते हैं कुकुर चुंदा, कुकरा चूल्हा और कुकुर चुंदा। दत्वन करा थे बाबा, का के दत्वन है? सरई के दत्वन। हाँ, नेक्स्ट होम की ओर, लगभग बहुत सारे घर है यहाँ पर, और वाह कुकरी का आवाज आ गया भाई। तो अपने घर यहाँ पर एक दादी बैठी हैं, दादी से चलिए बात करते हैं। नहीं सुन पाते। अच्छा, दादी जो है सुन नहीं पाते हैं, और ठंड का मौसम है, आग जला के बैठी है धूप सेकते हुए, और यहाँ पर दीदी खाना बना रही हैं, भाटा आलू और करेला। करीर, अरे बाप, अभी समय में करीर, भाटा आलू करीर का सब्जी बन रहा है भाई। खांसी के दवाई तुमन हाँ रखे का आयुर्वेदिक माँ का? खांसी के दवाई हाँ? नहीं पीता तुमन हाँ, इतनी बैगर का कर जाते कि वेद राजू हवे ऐसे अही खाता ना वेद राजू जड़ी बूटी केला मांगा ना खांसी खोखी के दवाई। अच्छा, ये वाला घर में रखे थी जड़ी बूटी? हाँ, जड़ी बूटी। हाँ हाँ, मांग लो तो हाँ, मन का काम बुता करते दाई गाँव में अभी? हमन काम बुता चलते था करते हाँ। कौन से जनजाति के आप मन? बिंझवार। आप मन को ठिकाना आते हैं अपन जनजाति मन के? हाँ। एक गाह का? हाँ। लेवा गा लेवा।
डरावा मत हमन ना ये हमन कुछ डर नहीं है नहीं कैमरा में थोड़ा आने लगते ना हां आने लगते थोड़ा कैमरा में रहते आने लगते लेवा एक बार सुना देवा काला सुना दो गाना गा ए दाई मैंने जाना दादा गा अरे कोई सर गाना दो लाइन सुना ए दे छोकरी छोकरी ना देवे तो खुश हो जा हां थोकन बैठ तो ले ले या थोकन मजा ले ले थोकन बैठ तो ले ले दौरा जा करमा ददरिया के मजा ले ले थोकन बैठ तो ले ले दौरा जा करमा ददरिया के मजा ले ले। मैं आपको मिलाने वाला हूँ पिंजवारी जनजाति के लोगों से और वो लोग दिखाने वाले हैं आपको अपनी कल्चर। कल्चर में होगा उनको पिंजवारी करमा नृत्य जो आपको बेहद ज्यादा आकर्षित करने वाला है, जिसके लिए आज हम आपको उनके गांव ले जाने वाले हैं। जिले के अंदर एक अचानकपुर गांव है जहां विलेज लाइफ को देखा हमने, काफ़ी सुंदर बढ़िया ढंग से लोग जीवन यापन जो करते हैं जमीनी स्तर पर गांव के अंदर रूबरू होकर, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।